नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है यूपी के गोंडा जिले से, जहां भंडहा पंडारी कृपाल में विशाल कलश यात्रा का आयोजन। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जिले से, जहां विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे रहे, जिनके आने के उपरांत में कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ। इस कलश यात्रा में महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कलश यात्रा ग्राम सभा भंडहा से सुभागपुर स्टेशन के रास्ते मां खैरा भवानी मंदिर तक पहुंची, फिर पुनः ग्राम सभा को वापस लौटी। इस कार्यक्रम के संचालन हरिशरण दुबे, कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी हिमांशु तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी सुधीर तिवारी, पूर्व प्रधान भंडहा परमानंद, शिवराम प्रजापति, राहुल, रामू शुक्ला, वीर प्रकाश शुक्ला, शोभा राम, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, अभिषेक शुक्ला, अंशु शुक्ला, संजू शुक्ला, सुनील दुबे, लाली दुबे, अमरीश दुबे, अशोक दुबे, शिव शरण दुबे, अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी, सुनील तिवारी, माधुरी शरण दुबे, रोहित तिवारी, अमन दुबे, अनुज दुबे, राहुल शुक्ला, विवेक दुबे, उमंग शुक्ला, अभिषेक दुबे इत्यादि भक्तगण मौजूद रहे। देखिए गोंडा से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज हम हैं खैरा भवानी मंदिर। कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो भंडहा ग्राम सभा और पंडरी कृपाल में कई लोग हमारे यहाँ अभी उपस्थित हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ कर महिलाएँ हिस्सा लिए। आइए जानते कुछ वहाँ के लोगों से कि जानते कैसी कलश यात्रा है यहाँ। नमस्कार सर, सब पहले सर ये बताइए कि अपना नाम बताइए और कैसी कलश यात्रा है। जी, मेरा नाम राहुल दुबे। ये हमारे ग्राम सभा में महासचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, उसी उपलक्ष में आज 15 तारीख को ये कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और घर के सम्मानित लोग गांव के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये कार्यक्रम हमारा आज से शुरू होगा और 23 तक इसका समापन होगा। 24 को वहाँ भंडारा का आयोजन किया गया है। अच्छा, ये बताइए कितनी महिलाएं ये कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। कम 150 महिलाएं, 100 पुरुष और 50-60 बच्चे। अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था यहाँ कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था ठीक ठाक है। हमारे कमेटी के मेंबर जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपना सहयोग कर रहे हैं। हमारे गांव के युवा लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बाकायदा उसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी और दोबारा मतलब पुनः कहाँ जाएगी वो? ये कलश यात्रा ग्राम भंडहा से निकली है, ये यहाँ खैरा मंदिर पे आई है। खैरा मंदिर से यहाँ कलश भर के फिर हम लोग वापस अपने यज्ञ स्थल पे भंडहा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसमें हमारे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है। माननीय श्री शारदा कांत पांडे जी, जो जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी के, उन्होंने इस यात्रा का शुभारम्भ करवाया है। किसी कारणवश वो यहाँ तक नहीं आ पाए, लेकिन शुरुआत में स्टार्ट वो करवा के गए हैं यात्रा। अच्छा, ये बताइए कितने दिन का कार्यक्रम रखा गया? ये कार्यक्रम हमारा 7-9 दिन का कार्यक्रम है। 10 दिन ये 10 दिन भंडारा हो जाएगा। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है और ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में पूछेंगे? जी, व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी थी और छोटों का प्यार, बड़ों का स्नेह और माता पार्वती और माता काली के प्रति जो लोगों का स्नेह दिखा वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों का। हम लोग तो सनातन धर्म के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी रहे हों या हमारे ब्लॉक की टीम रही हो, हमेशा ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और लोगों को हिंदुत्व के प्रति अलग जगाने का कार्य करती है। अच्छा, कहते हैं कि माननीय हिंदू संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही मतलब सुचारू रूप से हर कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, इसके पीछे आपके संगठन की कैसी नींव है? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का दिशा निर्देश है, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो हैं, तो इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि हिंदुत्व को दिन प्रतिदिन आगे अलग जगाया जाए। उसी के प्रति हमारे जिलाध्यक्ष जी हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, उसी के पद चिन्हों पर चल करके हम लोग निरंतर ग्राम स्तर तक और लोगों के दिलों के स्तर तक पहुंचने का कार्य करते हैं। बाकी स्नेह हम लोगों का ग्राम सभा से मिलता है, लोगों का मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है। धन्यवाद। मैं कृष्णा शर्मा, फास्ट इंडिया से, कैमरामैन रोहित। जी, अब तक की बड़ी खबर है ग्राम सभा भंडहा पंडरी कृपाल में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। खबर है गोंडा के ग्राम सभा भंडहा पंडरी कृपाल में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष श्री शारदा कांत पांडे जी।
जी बताना चाहेंगे आपको एक बार फिर से, ग्राम सभा बंडहा पंडरी कृपाल में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे हिंदू युवावाणी के जिला अध्यक्ष श्री शांताकांत पांडे जी, जिनके आने के उपरांत ही कलश यात्रा को प्रारंभ किया गया। जी कलश यात्रा में सम्मिलित महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कलश यात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाएं एवं बच्चे हुए सम्मिलित। ये बताना चाहेंगे आपको कि कलश यात्रा ग्राम सभा बंडहा से सुभागपुर स्टेशन के रास्ते माँ खैरा भवानी मंदिर तक पहुंची। बड़ी खबर है कि कलश यात्रा ग्राम सभा बंडहा से सुभागपुर स्टेशन के रास्ते माँ खैरा भवानी मंदिर पहुंची, फिर पुनः ग्राम सभा को वापस लौटी। इस ग्राम के संचालक श्री हरिशरण दुबे जी रहे। बताना चाहेंगे लगभग सैकड़ों लोग यात्रा में सम्मिलित हुए। जी आत्मविश्वास के भरे बच्चे और महिलाओं ने यात्रा को सफल बनाया। ग्राम सभा भंडहा में पंडित कृपा में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। भक्तगण हुए मनमुग्ध। काफी हर्षोल्लास से भरे बच्चे एवं महिलाएं कलश यात्रा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा रहे चौक चौबंद। पैदल यात्रा करती हुई महिलाएं एवं बच्चे एवं पुरुषों ने कलश यात्रा ग्राम सभा भंडहा सुभागपुर स्टेशन से रास्ते माँ खैरा भवानी मंदिर तक पहुंची। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कलश यात्रा में सम्मिलित लोग। बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हिंदू युवावाणी के अध्यक्ष श्री शारदाकांत पांडे जी। हिंदू युवावाणी के समर्थकों ने किया सहयोग बढ़ चढ़कर। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद पहुंचे माँ खैरा भवानी मंदिर पर। कलश यात्रा पहुंचने के बाद माँ खैरा भवानी मंदिर के प्रांगण में कलश यात्रा में सम्मिलित लोग जब खैरा भवानी मंदिर पहुंचे तो गूंज उठे माँ खैरा भवानी एवं श्री राम के जयकारे।